नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और चंडीगढ़ प्रशासक की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई, लेकिन 5 जून को एक बार फिर से बैठक होगी जिसमें ये उम्मीद है कि उसमें कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। देखिए रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल ने भी हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बातचीत हुई है। मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि बातचीत में कोई हल नहीं निकला, लेकिन 5 जून को एक बार फिर से बैठक का आयोजन किया जाएगा और बातचीत भी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि उसमें इस मुद्दे का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। यह किसी राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की मान्यता हरियाणा के कॉलेजों को भी मिले। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए इसका फैसला खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी कर सकता है। 5 जून को इस मुद्दे पर फिर से बातचीत की जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और बातचीत हमने किए हैं आपस में, पिछली बैकग्राउंड भी सारी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का एक दौर और होगा। अभी उसका समय 5 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे। निष्कर्ष 5 तारीख को दोबारा बैठेंगे, उसमें जरूर पर आज क्या बात हरियाणा की तरफ से रखी गई है सर, ग्रांट को लेकर क्या कुछ बातें हरियाणा में रखी है? थोड़ा भी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई ना कोई स्वार्थपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई, कोई अच्छा निर्णय निकलेगा। बंद हो गई थी, उसका मुद्दा कई बार पंजाब की विधानसभा में भी उठा, हुण उस चीज को लेकर हरियाणा की कुछ विधानसभा। इसी में मेरा सवाल है सर, दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में स्वार्थपूर्ण बातचीत करके करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख को हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पंजाब, उनके अध्यक्षता में सर क्या पंजाब रेडी? आज पंजाब रेडी मैंने बताया ये सारी चीजें, 5 तारीख को दोबारा बैठेंगे तब पता लगेगा। सर क्या पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की हरियाणा को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हरियाणा के पास अपनी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, पिछले 40 साल से काम आपको यूनिवर्सिटी चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है, सारे देश में बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक अगर हम देखा जाए तो सीक्रेट ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। हरियाणा को पूरा हक मिलेगा ना पीयू में? जी सर, ऑटोनोमस बॉडीज का निर्णय होता है, वो क्या निर्णय करते हैं वो 5 तारीख को जो है। मनोहर जी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा क्या कहना चाहेंगे? सर इधर बैठे, सर सामने बैठे।
ये बात ठीक है कि जो एचपीएससी का एक हमारे यहाँ एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें से 38 क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं और कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज की है। कोर्ट में सुनवाई है क्योंकि एचपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है, निर्णय तो एचपीएससी करेगी क्या करना है, लेकिन अगर हमसे सुझाव मांगेंगे तो हम ये सुझाव उनको देंगे कि अगर कंट्रोवर्शियल 38 प्रश्न ऐसे बने हैं तो वैसे 38 प्रश्न को छोड़ करके जो रिजल्ट है वो अगर देना चाहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। वहीं एचसीएस की परीक्षा में प्रश्नों के रिपीटिशन को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसको लेकर जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एचपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए वह खुद भी इसका फैसला ले सकती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर हमारा सुझाव पूछा जाए तो हम यह सुझाव दे सकते हैं कि 38 प्रश्नों की रिपीटेशन की गई थी, अगर एचपीएससी चाहे तो बाकी बचे 62 प्रश्नों के आधार पर ही परिणाम जारी कर सकती है, लेकिन यह एचपीएससी को देखना होगा कि वह इस मामले का हल किस तरह से निकालती है या कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मार्च महीने में हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समय पर किसानों की मुआवजा राशि जारी कर अपना वादा निभाया है। कृषि और किसान के विकास के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 8 से 9 सालों में हरियाणा में किसानों के लिए जहां सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई तो वहीं अब किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के कारण परेशान नहीं होना पड़ता। मार्च महीने में हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को वादा किया था कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसान 15 जून तक उनकी खराब हुई फसलों का पूरा मुआवजा ले पाएंगे। किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपया एकड़ हमने घोषित की हुई थी, केवल कल या दो दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा कर देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया लगभग 1,200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा 2015 का केवल 1 साल का 1,200 करोड़ रुपया था। इस बार भी जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीजन पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाए। ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जारी कर दिया है। मार्च और अप्रैल माह बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को नुकसान पहुंचा था, तब मुख्यमंत्री ने बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कराकर 15 जून तक हर हाल में मुआवजा जारी करने का भरोसा किसानों को दिलाया था।
किसानों को मनोहर राहत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निभाया किसानों से किया वादा। मार्च अप्रैल में बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसल का जारी हुआ मुआवजा। पूरे प्रदेश में एक क्लिक से 181 करोड़ का मुआवजा किसानों के सीधे अकाउंट में पहुंचा। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों ने 16,58,000 एकड़ की खराब फसल का कराया था रजिस्ट्रेशन। 67,758 किसानों को एक क्लिक से जारी हुई सहायता राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मई महीने में किसानों को पूरा मुआवजा देने का किया था ऐलान। इतिहास में पहली बार है जब इतने कम वक्त में किसानों को मिला मुआवजा। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावित किसानों के खाते में भेजी है। मुख्यमंत्री ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में मुआवजा राशि को स्थानांतरित किया है। विभिन्न जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ मुख्यालय से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैंने अपने किसान भाइयों से किए हुए वादे को पूरा करते हुए उनकी खराब हुई फसल का 181 करोड़ रुपए का मुआवजा सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया है। मार्च अप्रैल 2023 में बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा हमने मई महीने में देने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज प्रदेश के 67,758 किसानों को मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार किया करते थे। वर्तमान राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं सिरसा जिले के 63 गांव को 10,49,00,000 रुपए जारी किए गए हैं, जो कि जल्द ही किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि इस ओलावृष्टि में जिले के 63 गांव प्रभावित हो गए थे, जिसमें एलनाबाद के 8 गांव, रानिया के 22 गांव, सिरसा के 12 और कालावाली के 21 गांव प्रभावित हुए थे। ये मुआवजा उन किसानों को जारी हुआ जिन्होंने अपनी खराब फसल का ब्यौरा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाया था। पे जो फार्मर्स को मुआवजा बांटने का जो प्रोसीजर है वो अपना चेंज कर दिया गया है। अब फर्स्ट स्टेज में ई क्षतिपूर्ति पे पोर्टल पे जो फार्मर्स ने अपना खराबा डाला हुआ था और जो उनका खराबा वेरीफाई हुआ था, अब चंडीगढ़ से डायरेक्ट उन फार्मर्स के अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफ़र होगा। और उसमें जो कल मीटिंग में हमें डिस्ट्रिक्ट सरसा की फिगर बताई गई है, उसमें 10,49,00,000 रुपया मतलब कि हमें अपना मिला है, जो डायरेक्ट चंडीगढ़ से फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। इस बार सरकार ने जो ई खरीद पोर्टल शुरू किया था, तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और ई खरीफ पोर्टल, उनको कंबाइंड करके वो मुआवजा जो फार्मर्स का निकला है वो डायरेक्ट अब फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा। जो फार्मर्स की जो ये इस तरह की ये अपना ग्रीवेंस थी कि जी फलाने का गलत मुआवजा दे दिया, ज़्यादा दे दिया या मुझे कम मुआवजा मिला है, इस तरह के भी जो डाउट्स थे वो भी सरकार के लेवल पे दूर हुए हैं। और जो सरकार की जो ये के शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने वाकई जो किया वो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतनी जल्दी मुआवजा पाकर किसान भी काफी खुश है।
और इस मुआवजा राशि के इतनी जल्दी जारी होने से किसान भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। साथ ही किसानों में सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ गया है और अब किसानों को प्राकृतिक आपदा से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हरियाणा के किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना वरदान साबित हो रही है। वहीं किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए विभाग की तरफ से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में किसान भी इस योजना को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार के माध्यम से किसानों को सुविधा और लाभ देने के कई प्रकार की सरकारी योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को लाभ देने के लिए इन्हीं में से एक और योजना की शुरुआत की थी, जिसका बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। इन्हीं में से एक योजना है हरियाणा भावांतर भरपाई योजना। इस योजना के तहत हरियाणा के किसानों को अपनी फसल को मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है और किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार के माध्यम से की जाती है। सरकार द्वारा हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों का अच्छा मूल्य मिल सके। इस योजना को राज्य के लिए एक अनूठी योजना माना जाता है। हरियाणा के जो भी किसान अपनी फसल जैसे कि सब्जियां, फलों आदि को बाजार में बेचते हैं, तो उन सभी को अपनी फसल के मुताबिक कम मूल्य मिल पाता है, जिसके तहत सरकार द्वारा इस योजना के मध्य से उन सभी किसानों को फसल का या तो मुआवजा मिलता है, नहीं तो उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर किसानों को बताते रहे हैं। हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई, यानी फसलें, सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज, गोभी ये बोते हैं लोग। कभी कभी ऐसा होता है इतना भाव कम हो जाता है सड़कों पर फेंक दिया जाते हैं, उनका फेंकने की जरूरत नहीं है। जिस भाव मंडी में बिकता बेच दो, जो आपका खर्चा आया है उसमें अगर घाटा पड़ जाएगा तो ये सरकार देगी, चिंता मत करो, ये हमारा काम है देना। इस योजना के तहत पलवल जिले के किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिले में शिविर लगाकर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि ये योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। भावांतर भरपाई योजना में उद्यान विभाग की 21 फसलों को कवर किया गया है, जिनमें 14 सब्जियों की फसलें व 5 फलदार फसलें शामिल हैं, वहीं 2 मसाले वाली फसलें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जो भी किसान अपनी फसल जैसे कि सब्जियां, फलों आदि को बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों को भावांतर भरपाई के बारे में बताना चाहूंगा कि भावांतर भरपाई योजना पूरे देश में हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। बागवानी विभाग द्वारा जो इस भावांतर भरपाई में फसलें कवर की गई हैं, वो 21 फसलें कवर की गई हैं। 21 फसलों में 14 सब्जियों की फसलें हैं, 5 फलदार फसलें हैं, 2 मसाले वाली फसलें हैं। फलदार फसलों में अमरूद, बेर, किन्नू, लीची और आम हैं, और जो मसाले वाली फसलें हैं उसमें हल्दी और लहसुन की फसलें हैं। इसमें किसान को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके पास भावांतर भरपाई का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो फसल का एक भाव गवर्नमेंट के द्वारा इसमें तय किए हुए हैं कि इतना क्विंटल फसल इतने रेट से भावांतर भरपाई के द्वारा कवर की जाएगी,
यदि उस रेट से किसान की फसल कम बिकती है तो हरियाणा में जो रजिस्टर्ड अनाज मंडी सब्जी मंडी है, जैसे कि हमारे यहाँ पलवल में पलवल की अनाज सब्जी मंडी लगती है, तो पलवल की सब्जी मंडी में किसान यदि अपनी सब्जी को, फ्रूट को या मसाले वाली फसलों को लेके आता है, उसमें उसको मेरी फसल मेरा बेरा के उपरांत जो वहाँ पे मेरी वो एक पर्ची कटवानी होती है गेट पास, उसके बाद आरती के द्वारा आरती से वो फार्म जे प्राप्त करना होता है। फार्म जे प्राप्त करने के बाद यदि रेट में वो अंतर है तो उसको किसान मार्केट कमेटी के जो ऑफिस है उसमें जमा करेगा। मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा जो उसका बीच का अंतर है उसका वो फार्म जे के द्वारा जो उसको काटा गया उससे मार्केटिंग जो बोर्ड है उसके द्वारा किसान का जो भावांतर भरपाई के बीच का अंतर है उसको उसके खाता जो उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना खाता अनुदान के लिए रजिस्टर्ड कराया था उसमें उसके जो अनुदान राशि है जो भाव का बीच का अंतर है वो उसमें सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेरा किसानों से इस बारे में ये अपील है कि जो भी किसान बाग लगाए सब्जी लगाए वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा करने के उपरांत अपना भावांतर भरपाई योजना पे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराए ताकि यदि उसका भाव में कुछ अंतर आए तो उसको सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ वो उसको मिल सके। किसान हरेंद्र ने बताया कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत किसानों की फसलों का बाजार में उचित रेट नहीं मिलने पर सरकार द्वारा किसानों को फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है। सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। धर्मेंद्र जी, भावांतर जो योजना है सरकार की भरपाई योजना किसानों की, क्या कहोगे इस योजना के बारे में, किस तरह से लाभ होता है इसमें? भाजपा सरकार आने के बाद में जो किसानों को नुकसान होता था कि वो MSP गवर्नमेंट का दूसरा रहता था और मंडी में या मार्केट में उसके रेट कम मिलते थे, उसको देखते हुए बड़ा अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ये और भी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग जो हमारी रबी या खरीफ की दूसरी फसलें थी उनको छोड़ करके जो हमारा बाजरा है या हमारी जो सब्जी की फसल थी तो उनके ऊपर ज़्यादातर किसानों को नुकसान ही होता था। सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी। मार्केट में जाने के बाद उनको पता चलता था कि उनकी लागत से भी कम में उनकी बिक्री हुई है, तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान कर्ण सिंह ने कहा कि किसानों को कई बार बाजार में फसलों का सही रेट नहीं मिल पाता, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में सही निर्णय लिया है। सरकार की योजना के अनुसार अब सब्जी व फसल उत्पादक किसानों को भी फसल का उचित रेट मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि फसल को पहले पोर्टल पर अपलोड करवाना होता है और फार्म लेने पर फसल का उचित रेट सरकार द्वारा दिया जाता है। जो सरकार ने भावांतर योजना चलाई है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसानों को कई बार ठीक से रेट नहीं मिल पाते थे, MSP में जो फसलें नहीं है उनकी दिक्कत थी। तो आजकल सरकार ने ऐसा नियम किया है कि उन फसलों को पहले ही अगर सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर दें तो जो मार्केट का रेट रहेगा उस टाइम पे और जो MSP सरकार डिक्लेयर करती है तो वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस का जो पैसा है वो सरकार किसान के अकाउंट में डाल देगी। ये बहुत अच्छी योजना है, ये तो सरकार ने जो चलाई है किसानों के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बहुत अच्छी योजना है। बाजरा फल सब्जियों पर ये जो भावांतर योजना लागू है क्या कहना चाहोगे, किस तरह से फायदा होता है इससे? इससे मैंने जैसे बताया अभी, अब कोई चीज़ बाजरा वगैरह है जैसे इतनी पॉपुलर चीज़ें नहीं है जैसे गेहूं वगैरह है, इसका रेट कई बार कम मिलता है, सरकार जैसे MSP देती है तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता, जैसे मार्केट में कम रह जाता है तो मार्केट उसकी भरपाई करेगी, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, किसान को MSP रेट ही मिलेगा, जो डिफरेंस मार्केट का और MSP का है वो सरकार वहन करेगी। किसानों को फसलों का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसान खेतों में फसलों को लगाता है उस दौरान फसलों की कीमत अलग होती है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो बाजार में फसल के दाम कम हो जाते हैं।
ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। हरियाणा के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।